हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कुर्मिश्रा एंड दिस इज वेर एकेडमी। और आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे 10th क्लास के साइंस के पैटर्न के बारे में। 10th क्लास का जो साइंस का पैटर्न है, जब से बोर्ड हुआ है थोड़ा चेंज हो गया है फ्रॉम लास्ट ईयर। तो थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं कि उस पैटर्न को कैसे है, और हम लोग उसको समझेंगे कि उसके हिसाब से हमारे मार्क्स कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे एंड टर्म। देखिए, 10th क्लास में साइंस का मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। आपका साइंस का सब्जेक्ट है, उस 100 मार्क्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक 80 मार्क्स और एक 20 मार्क्स। जो 80 मार्क्स है, इसका आपका रिटन टेस्ट होगा एट द एंड, जो बोर्ड का एग्जाम होता है। ये 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेंगे। इन द सेंस, स्कूल में भी 20 मार्क्स कैसे मिलेंगे, ढंग से सुनिएगा। 20 मार्क्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। जो 10 मार्क्स हैं, उनके दो पीरियोडिक टेस्ट होंगे आपके। पहला पीरियोडिक टेस्ट जनरली सितंबर के अराउंड होगा, अगला पीरियोडिक टेस्ट जनवरी मिड के बीच में होगा, पहले पीरियोडिक टेस्ट से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगले पीरियोडिक टेस्ट से 5 मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई के हिसाब से कोई भी स्कूल मैक्सिमम 3 पीरियोडिक टेस्ट ले सकता है, 3 से ज्यादा पीरियोडिक टेस्ट नहीं ले सकता। आगे 5 मार्क्स आपकी जो कॉपी आप कंप्लीट करते हैं, जो आपकी स्कूल की अटेंडेंस होती है, 5 मार्क्स उसके मिलते हैं। अगेन 5 मार्क्स जो आप लैब वर्क जो आपका होता है, जो फाइल वगैरह मिलती है, 5 मार्क्स उसके होते हैं। तो 10 हो गए पीरियोडिक टेस्ट से, 5 हो गए कॉपी से एंड 5 हो गए लैब से। तो टोटल मिलाकर 20 मार्क्स हो गए। इस 20 मार्क्स में से 7 मार्क्स कंपलसरी है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। अगर 7 से कम आते हैं तो आप इसमें फेल कर दिए जाएंगे। नाउ कमिंग ऑन रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट मतलब एग्जाम। आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 27 क्वेश्चंस टोटल आएंगे। 27 क्वेश्चंस में हमने 80 मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, 68 मार्क्स एंड 12 मार्क्स। 68 और 12 कितना हो गया, 80। 68 मार्क्स जो है उसमें 21 क्वेश्चन आएगा, इसको सेक्शन ए कहा जाएगा। 12 मार्क्स जो होगा उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसको सेक्शन बी कहा जाएगा। सेक्शन ए जो होगा ये कंप्लीट थ्योरी होगा, जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं उस एनसीईआरटी में से होगा। सेक्शन बी जो होगा ये होगा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर 15 एक्सपेरिमेंट है। 15 एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर 2-2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, वो 6 क्वेश्चन जो मिला के 12 मार्क्स करेंगे। ये कंप्लीट सेक्शन बी होगा, सिर्फ थ्योरी से रिलेशन नहीं है। अगर आप लोगों ने थ्योरी कर ली है और प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो हमारी अपकमिंग वीडियो जरूर देखिएगा। हमने सारे एक्सपेरिमेंट को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को फोकस करते हुए हमने वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट है, एक में केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट है, एक में बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट है। उनको पढ़िएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एफर्ट लगा दीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आए, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप जितनी ज्यादा आपकी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करें। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक को आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको वीडियो जरूरत है उसकी, आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं, मैं आपको उस वीडियो की बहुत अच्छे लेवल पे सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करते हुए प्रॉब्लम ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम ये है कि जो आप अदर वीडियो देखते हैं और जो हम लोग वीडियो बनाते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, अदर वीडियोस पूरा सब्जेक्ट कवर करते हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी कवर करते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। हमारा और कोई पर्पज नहीं है। हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो एक दो, बट वो मिस्टेक नेग्लिजिबल होंगी। हमारा पूरा फोकस होता है कि 99% वीडियो एक्यूरेट बनाई जाए, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स और एनसीईआरटी को कवर करते हुए। थैंक यू सो मच।